नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में चुनाव के अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होना है। अंतिम चरण में मतदान के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां करने में जुटी हुई हैं। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी पंकज चौधरी के पक्ष में जनसमर्थन जुटाने के लिए आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फरेंदा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस, सपा और इंडी गठबंधन पर जोरदार हमला बोला। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी के 400 पार के नारे से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो इंडी गठबंधन है उनको चक्कर आने लगता है। मोदी के नेतृत्व में एक तरफ जहां राम भक्त है वही दूसरी तरफ राम द्रोही है जो राम का तो विरोध करते ही रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आगे और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। संविधान के साथ छेड़छाड़ करना, देश के अंदर इमरजेंसी लगाना, भारत की भावना के साथ खिलवाड़ करना, एक कांग्रेस की फितरत रही है और कांग्रेस आज फिर वही शरारत करने पर उतारू है। कांग्रेस ने, अभी आपने देखा होगा, कांग्रेस का एक सहयोगी पश्चिमी बंगाल में टीएमसी है। टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस, यह पश्चिमी बंगाल में है। इसने वहां ओबीसी का सारा आरक्षण मुसलमानों को दे दिया था और परसों ही कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस के द्वारा ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को देना असंवैधानिक है और उन्होंने वहां की सरकार के इस कार्य को पूरी तरह खारिज करके कहा कि नहीं, मुसलमान देश के अंदर आरक्षण पाने का अधिकारी नहीं हो सकता है। बहनों और भाइयों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति और मंडल कमीशन के अंतर्गत ओबीसी की जातियों को आरक्षण पाने का अधिकार है। यह आरक्षण धार्मिक आधार पर नहीं हो सकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण ये भारत के विभाजन की नींव डालना जैसा है और 1947 में भारत का विभाजन हो चुका है, अब हम भारत का दूसरा विभाजन नहीं होने देंगे। और लोग बोलते हैं मोदी सरकार, एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग बोलते हैं कि मोदी सरकार क्यों, तो जनता ही कह देती है इसलिए क्योंकि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। तो बहनों और भाइयों, 400 पार के इस नारे से एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो इंडी गठबंधन है इनको चक्कर आने लगता है। ये लोग घबराते हैं 400 पार कैसे, तो जनता जनार्दनों ने जवाब देती है। जवाब ये देती है कि जो राम को लाए हैं, क्यों महाराजगंज भी तो इससे सहमत है ना, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो वे इससे घबरा जाते हैं क्योंकि एक तरफ राम भक्त हैं मोदी जी के नेतृत्व में और दूसरी तरफ राम द्रोही हैं जो राम का तो विरोध करते ही रहे हैं और विरोध करते करते भाजपा का विरोध करते हुए राम का विरोध किए हैं और भगवान राम का विरोध करते करते अब भारत का विरोध कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये लोग राजनीति के लिए, अपनी राजनीति के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए इन लोगों ने देश की जितनी क्षति की है वह अपूर्णीय क्षति है। सत्ता की अतिलिप्सा ने इनके कारण पहले देश का इन्होंने विभाजन किया, फिर देश के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, देश को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर आपस में लड़ाने का काम किया और आज फिर वही झूठ बोल रहे हैं। कोई कहता है कि आरक्षण समाप्त करेंगे, कोई कहता है कि संविधान को बदल देंगे,
इतनी झूठी कोरी बकवास ये कांग्रेस देश के खिलाफ साजिश कर रही है। सच्चाई तो यह है कि कांग्रेस के नेतृत्व में जो ये गठबंधन है, चाहे वह समाजवादी पार्टी का हो, चाहे वह आरजेडी का हो, चाहे वह आम आदमी पार्टी का हो, सच्चाई तो यह है कि बहनों और भाइयों, इनका गठबंधन यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विरोधी रहा है। याद करिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चुनाव हराया था कांग्रेस ने। जब समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव की सरकार प्रदेश में बनी थी। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अंगद शर्मा के साथ इजराइल खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।